बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन है। जदयू चाहती है कि बिहार से बाहर भी भाजपा के साथ हमारा गठबंधन हो। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जदयू ने भाजपा के पाले में गेंद डाल दिया है। राज्यों में चुनाव होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश और मणिपुर में पार्टी की इच्छा है उसमें हिस्सा लेने। मणिपुर में अपने बलबूते पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले भाजपा के साथ हमारा गठबंधन रहा है, इसलिए हमारी पहली कोशिश है कि NDA के साथ ही रह करके चुनाव लड़ाए। प्रारंभिक तौर पे जो वार्ता हुई है उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया है कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी ये चीज़ें लाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी कोई गठबंधन का स्वरूप नहीं बना है। गठबंधन का फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। बिहार में हमारा जदयू के साथ गठबंधन है, लेकिन अन्य राज्यों में गठबंधन होगा नहीं होगा इस बारे में निर्णय केंद्रीय नेतृत्व संबंधित राज्य के नेताओं से विचार विमर्श करके लेता है। आपको नहीं लगता कि अगर वहाँ जदयू को आप रखेंगे, क्योंकि बिहार का नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो समीकरण साधने में मदद मिलेगी? देखिए, वहाँ की परिस्थितियों को हमारा केंद्रीय नेतृत्व, उत्तर प्रदेश का पार्टी नेतृत्व बखूबी समझता है। इस बारे में जो भी निर्णय लेना होगा वो लोग लेंगे। तक उत्तर प्रदेश के चुनाव के बात है तो JDU ने तो अपनी मंशा स्पष्ट जाहिर कर चुकी है कि हम वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भाजपा हमें थोड़ा सम्मानजनक सीटें देती है तो हम गठबंधन में भी लड़ने से मुझे कोई परहेज नहीं है। भाजपा जमीनी हकीकत को समझती है और JDU भी जमीनी हकीकत को समझती है। JDU भी समझती है कि भाजपा का वहाँ प्रभाव है, JDU का कोई वहाँ बहुत पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन जब चीज़ें जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमने लगती है तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि JDU उस जातीय कार्ड को वहाँ भुनाने में पीछे नहीं रहेगी। नीतीश कुमार का चेहरा आगे होगा, उस जातीय कार्ड को खेलने की कोशिश करेगी, और वहाँ पर BJP भी बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है कि चलो कुछ सीटों पर जो बिहार के सीमावर्ती सीटें हैं या वैसी सीटें जहां लगता है कि भारतीय जनता पार्टी श्योर शॉट नहीं है, तो कुछ सीटों को दे करके JDU को भी हम संतुष्ट करें। और JDU भी मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा बार्गेनिंग की स्थिति में है। कम सीटें भी मिलेंगी तो JDU आश्वस्त होकर के लड़ेगी कि हम भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और परिणाम हमारे पक्ष में होगा। देखिए, ललन सिंह का समीकरण को तो हम उससे नहीं जोड़ करके देखते हैं, लेकिन हाँ, लौकुस का जो फैक्टर है वो उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रभावी करेगा। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कुशवाहा जाति से हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा जाति से हैं। जिस तरह से कुशवाहों को ये सम्मान दे रहे हैं, कुर्मी जाति से ये खुद आते हैं, RCP सिंह जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिनको महत्वपूर्ण जगह मिली है वो उस जाति से हैं, तो लौकुस का एक गठबंधन तो दिखता है। और दिखता है तो वो चाहेंगे कि इस बात को हम UP चुनाव में बुनाएं, UP चुनाव में जा कर के बताएं। अगर इन्हें सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, जो भी सीटें मिलती हैं जहां पर इनकी दावेदारी होगी और लगेगा कि हम उसको परिणाम में बदल सकते हैं, तो अपने मतदाताओं को और खास करके अपनी उस समीकरण से आने वाले मतदाताओं को, क्योंकि चुनाव में जातीय केमिस्ट्री का खेल खूब होता है, तो बताएंगे कि हाँ, भाजपा के साथ आप लोग रहिए। और भाजपा को ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें आप कुछ सीटें देंगे तो वो समीकरण आपके साथ खड़ा होगा। वो समीकरण भाजपा के साथ पहले से है, JDU के नहीं रहने से क्या उस पर असर पड़ेगा ये तो बात की चीज़ है, लेकिन हाँ, अगर JDU को कुछ सीटें मिलती हैं और गठबंधन में ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो समीकरण में और भी मजबूती आएगी। भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में? भाजपा इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अब किन सीटों पर ये दावा ठोकते हैं इस पर थोड़ा विचार करना चाह रही है, कितनी सीटों पर ये दावा करते हैं इस पर वो सोचेगी। भाई ठीक है, आपको सीट शेयरिंग में कुछ सीट देंगे तो हम अपनी जीती हुई सीट आपको क्यों दे देंगे? हम तो वही सीट देंगे ना जहां लगता है कि हम नहीं जीत सकते हैं और आपके समीकरण अनुकूल बैठ रहे हैं। इसलिए राजनीति में जब तक टिकट बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी संभावना से इनकार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की साख दांव पर है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा जदयू को अपने फोल्डर में उत्तर प्रदेश में जगह देगी? रंजीत, ETV भारत, पटना।